वीडियो में बात कर रहे हैं जीएसटी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5 फॉर दिसंबर 2018 के लिए। और यार दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना कि जो मेरी वीडियो पे टाइमर आता था यार, अब से मैंने सोचा है कि टाइमर को हटा दिया जाए और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि दोस्तों कि ना कि आपके पास ज्यादा टाइम है ना मेरे पास ज्यादा टाइम है। अगर आपको कुछ करना है तो वीडियो पॉज करो और फिर आप उसका आंसर देना और फिर उसका आप आंसर चेक कर लेना, बिकॉज क्योंकि ये टाइम बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप फिर भी अगर चाहते हो आपको कि वो 5 सेकंड का टाइमर अच्छा था तो मैं लाने की कोशिश करूँगा, फिर भी समझा करो कि एडिटिंग करने में टाइम लगता है, तो इसलिए ना कम एडिटिंग करके टाइम बचा के उसको उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश है। तो इसलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डैश में टेक सैंपल ऑफ गुड्स फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एनी टैक्सेबल पर्सन वेयर कंसीडर इज नेसेसरी एंड प्रोवाइडेड रिसीव फ्रॉम एनी सैंपल सो टेक। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारे पास आता है, विद इन वन व्हाट पीरियड शुड बी मिस्टेकन अपेरेंट और रिकॉर्ड बी बोट ऑन द नोटिस ऑफ द अथॉरिटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, तो व्हाट आर द कंडीशन एप्लीकेबल बिफोर द क्लेमिंग डीम्ड एक्सपोर्ट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास आता है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू रिसीव बैक द टूल्स एंड डाई एंड जिस्टर्स फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्लेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नो टाइम लिमिट स्पेसिफाई अंडर जीएसटी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट विल बी द लोएस्ट लिमिट ऑफ द कंपाउंडिंग फी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाईएस्ट ऑफ द अबव मींस ए एंड बी, जो भी हायर होगा वो। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो व्हाट इज द पनिशमेंट इन केस ऑफ टैक्स इवेजन इफ एक्सीड 500 करोड़ रुपीज बट नॉट एक्सीड 200 लाख। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 5 years इन इंप्रिजनमेंट और फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। द एपीलेट अथॉरिटी कैन कंडोन द डिले इन फाइलिंग एन अपील बींग शोन अप टू, कितने दिन में शो करेगा, मीन्स यही है इसका, पॉज करके इसको ट्राई करो और फिर आंसर सुनना यार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विद इन 1 month, अप टू 1 month। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, हु शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एप्लीकेंट कर सकता है, सिंपल क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम हुम द प्रॉपर ऑफिसर हैज टू ऑब्टेन अप्रूवल बिफोर मीटिंग समरी असेसमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अगेन, जॉइंट कमिश्नर। तो यार देखो मैं टाइमर हटाया है, और अगर आपको टाइमर ये चीज़ अच्छी लग रही है, टाइमर अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट पे बताओ कि टाइमर रखना है नहीं रखना। अगर आप टाइम सेव, आपको लगता है टाइम सेव हो रहा, तो मैं टाइमर नहीं लगाऊंगा, आपको डेली एम सी क्यूज ऐसे ही दे दूंगा ऐसे, क्योंकि ई सी एल के लेक्चर लाने हैं और ई सी एल के ऊपर मेरे को बहुत वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि रिविजन लेक्चर अलग से बनाने पड़ रहे हैं। और मैं आप सोच रहा हूँ कि ई सी एल की क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आगे लेकर आऊँ आप सभी के लिए। और आखिर में यही है कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जिनको एमसीक्यूज की जरूरत है। और प्लीज़ यार शेयर जरूर करो यार, सब्सक्राइब करो। ओके बाय।